हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5 का पार्ट 4। और आज पार्ट 4 में हम जानेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में, उदाहरण 5.4, और हम जानेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जैसे कि इसका नाम से हमें पता चल रहा है, गतिज ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण प्रेजेंट होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, अगर वो गति कर रही है तो उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक ऊर्जा। जितनी भी किसी वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा होती है, वे वस्तु उतना ही कार्य करने में सक्षम होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड द्वारा किए गए कार्य की माप होती है जो वे अपनी गति के कारण कर सकता है। गतिज ऊर्जा को हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देख के हमें ये समझ में आता है कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा के उस वस्तु के द्रव्यमान एम और उसके चाल वी पर निर्भर करती है। यानी डिपेंड करेगा कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, उसी के अकॉर्डिंग उसी गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्यमान के साथ साथ किसी वस्तु का किस तरह से वेग है उस पर भी निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। यानी कि अगर किसी वस्तु की स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज स्पीड से वो वस्तु जो है गति कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उस हिसाब से बढ़ती है। हमें ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। गतिज ऊर्जा को हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित भी कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी वस्तु में संघट होता है, मान लेते हैं हम संघट को आगे लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, कोई भी दो वस्तु है या कोई एक वस्तु समझ लीजिए जो कि मूव कर रही है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। जब इसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है और जैसे ही ये गतिज ऊर्जा लिए ये वस्तु किसी एम द्रव्यमान की वस्तु के साथ संघट करेगा, संघट का मतलब होता है टकराएगा। टकराने के पश्चात हम डेली लाइफ में अपने देखते भी है, जब भी कोई वस्तु टकराती है तो क्या होता है? होता यह है कि जो गति वाली वस्तु होगी जिसके अंदर गति ऊर्जा होगी, टकराने के पश्चात उसकी संपूर्ण गति ऊर्जा जो होती है वो चेंज हो जाती है। किसमें? हो सकता है वहां पे साउंड हो जाए, साउंड वहां पे निकलती है, वहां पे हीट निकलती है टकराने के पश्चात, तो वही गति ऊर्जा चेंज हो जाती है। कभी कभी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, कभी कभी उसका थोड़ा सा भाग जो होता है वो चेंज हो जाती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। हम एग्जाम्पल के लिए देखें समझे गति ऊर्जा को, हम देखेंगे कि तीर गति से बहने वाले जल की धारा होती है, उसमें क्या होती है? गति ऊर्जा। उसका उपयोग हम अनाज पीसने के लिए करते हैं। इसकी गति ऊर्जा का यूज हम कर रहे हैं अनाज को पीसने के लिए, क्योंकि गति ऊर्जा चेंज हो पाती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। इसके अलावा हम देखते हैं कि पाल जलयान पवन की गति ऊर्जा का भी हम प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार की चीजों में। हम और तरह से भी समझ सकते हैं गति ऊर्जा को। जब हम देखेंगे हम चलते हैं, कभी हम गिरते हैं, या हम बॉल को थ्रो करते हैं, या एरोप्लेन उड़ता है, इन सभी में काम करता है गति ऊर्जा का प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं, जब हम समझते हैं उदाहरण 5.4 को। 5.4 में कहा गया है, किसी प्रक्षेपी प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी है जो 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी पर 200 मीटर पर सेकंड की चाल से फायर करता है। क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक पुलिस वाला है जो कि एक गोली है, गोली का द्रव्यमान है 50 ग्राम। 50 ग्राम की जो गोली है उसको शूट किया जाता है किस पर? एक लकड़ी के प्लाईवुड पर। एक नरम परतदार लकड़ी है और ये गोली जो है उसकी चाल दे रखी है दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। यानी 200 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी यू जो इनिशियल है वो हमें क्या है, वो हमें दे रखा है। इस चाल से जो ये लकड़ी, जो ये गोली होगी वो इस लकड़ी को भेदेगी। नरम लकड़ी को भेदने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 10% रह जाती है। यानी कि इस गोली की जो भी इनिशियल गतिज ऊर्जा होगी टकराने के पश्चात, जब ये गोली निकलेगी तो उसकी जो के फाइनल होगी वो कितनी होगी? वो बराबर रहेगी 10% ऑफ के इनिशियल के।
लकड़ी से निकलते समय गोली की चाल क्या होगी, यानी कि हमें पूछा गया है वे फाइनल, हमसे ये पूछा गया है कि जब ये गोली यहाँ से निकलेगी तो उस समय उसकी चाल को हमें कैलकुलेट करना है। कुल मिला के ये है कि एक गोली है, एक पुलिस वाले है, पुलिस अधिकारी है, जो कि गोली उसका द्रव्यमान 50 ग्राम है, उसकी इनिशियल उसकी प्रारंभिक जो चाल है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। एक लकड़ी है, लकड़ी की जो लकड़ी है प्लाईवुड है, उससे वो उसमें वो भेदी जाती है। भेदने के पश्चात उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 10% रह जाती है। हमसे पूछा गया है कि उसकी अंतिम जो चाल होगी, जो कि जो प्लाईवुड है उससे भेदने के पश्चात होगी, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैसे इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, सारा गेम होगा गतिज ऊर्जा का, राइट? गतिज ऊर्जा से ही हम यहाँ पे वी फाइनल निकालने वाले हैं। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या रही होगी। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। हमें एम बी गिवन है, हमें वी भी गिवन है। इसके बाद हमें के फाइनल पता है, के फाइनल जो होगा वो 10% होगा के इनिशियल के, यहाँ से हम के फाइनल में निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इजिली वी फाइनल निकाल सकते हैं। तो इसको आप खुद ट्राई कीजिए और फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। सो जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे पहले निकालने वाले हैं गोले की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, जो कि आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर। हम यहाँ पे एम की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसको पुट करने के पश्चात हमारे पास आ जाएगी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 1000 जूल। इसी तरह से हम अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होती है, के इनिशियल, ये हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, उसका 10%। 10% को हम ले सकते हैं 0.1, 10% को हम क्या ले सकते हैं, 10% को हम 10/100, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास अंतिम गतिज ऊर्जा आ जाती है 100 जूल। हम जानते हैं कि जो लकड़ी को भेजने के पश्चात गोली की जो चाल होगी वो वी फायर होगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर बराबर 100 जूल है, जो कि हमें वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम वी फाइनल निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं सॉल्व करने के पश्चात। तो हमारे पास वी फाइनल आ जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि हमें पता था कि वी इनिशियल कितना है। तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लो वी इनिशियल 100% है, तो यहाँ पे हम दे सॉरी अगर हम ये देख सकते हैं कि नरम लकड़ी को भेजने के पश्चात गोली की जो चाल होगी लगभग 68% यहाँ पे कम हो जाती है। 90% कम नहीं होती, बल्कि 68% यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये वाला जो उदाहरण है वो सॉल्व हो जाता है। अगर हम अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्स चेंज हो रहा है। मान लेते हैं हमने पहले फोर्स कुछ लगाया था, 2 न्यूटन का लगाया था फोर्स, फिर 3 का लगाया, फिर 1 का लगाया। इस तरह से हमारा फोर्स चेंज होता रहता है। जब हमारे पास फोर्स चेंज होता रहता है तो हमारे पास वर्क डन किस तरह से आएगा? ऑफकोर्स जब फोर्स चेंज हो रहा है तो वर्क डन में भी चेंजेस आएगा। तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं कि टोटल वर्क डन कितना होगा अगर हमारे पास फोर्स जो है वेरिएबल होगा। उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि यदि विस्थापन डेलेक्स है, तब हम बल एफ एक्स को भी लगभग नियत लेते हैं। तो हमारा किया गया कार्य कितना होता है, वो होता है डेल डब्ल्यू बराबर एफ एक्स डेल एक्स। ये हमारे पास हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं जनरली, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फोर्स हमारा वेरिएबल है जो चेंजेस होता रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, जितना भी फोर्स पे जितना भी एरिया बनाया है, फोर्स हमारा इस तरह से चेंज हो रहा है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमें पूरा एरिया जो बन रहा है हमारे पास कार्य का टोटल, उस एरिया को हम कंसिडर करते हैं। यानी कि क्रमिक आयताकार क्षेत्रफलों का योग करने पर हमें कुल किया गया कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू बराबर आप एफ एक्स डेल एक्स ले देते हैं पहले, क्योंकि हमें फोर्स की वैल्यू एक नहीं है बल्कि वो चेंज हो रही है। तो उस
वैल्यू को हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, यानी एक्स इनिशियल से लेकर एक्स फाइनल तक वैल्यू यहाँ पे होगी। तो हम प्रारंभिक वैल्यू लेंगे फोर्स की और अंतिम जो है उसका वो लेंगे क्या वैल्यू, यानी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन समाकलन करने वाले हैं, तब जाके हम यहाँ पे इसका जो है टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि W बराबर आ जाएगा डेल एक्स की वैल्यू टेंड कर रही है जीरो को, तो एक्स इनिशियल एक्स फाइनल का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि W बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स आई से एक्स फाइनल एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे किया गया कुल कार्य निकाल सकते हैं जो कि एक फोर्स करता है, एक वेरिएबल फोर्स करेगा। पहले तक हम जानते थे कि W बराबर होता है एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि हमारे पास जब फोर्स की एक कांस्टेंट वैल्यू ना हो बल्कि फोर्स जो है चेंज होता जा रहा है, तो उस केस पर हम इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं कार्य को निकालने के लिए। आज के लिए इतना ही, अब हम देखते हैं रिव्यू हमने क्या क्या जाना है इस लेक्चर में। हमने ये देखा कि किसी वस्तु में उसी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई बल किसी पिंड पर कार्य करता है और समय के साथ वो बदलता है तो उसे हम परिवर्तनशील बल कहते हैं। परिवर्तनशील बल द्वारा किए गए कार्य की गणना एकीकरण द्वारा होती है, यानी कि समाकलन हमें करना होता है जब भी हमारे पास जो फोर्स होता है वो एक फोर्स नहीं बल्कि वो समय के साथ चेंज होता रहे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जानेंगे उदाहरण 5.5 को, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रवेग किस तरह से होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू।